रविवार की सुबह नंदिनी रोड स्थित ई बाइक के शोरूम सूर्य मोटर में आग लग गई, जिसे देख आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने तत्काल शोरूम संचालक एवं पुलिस प्रशासन सहित अग्निशमन विभाग को सूचना दी। रविवार की सुबह नंदिनी रोड भिलाई में अफरा तफरी का माहौल नजर आया, क्योंकि नंदिनी रोड स्थित ई बाइक बेचने वाले शोरूम सूर्य मोटर्स की दुकान में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देख आसपास के लोगों ने शोरूम के संचालक को कॉल किया। तब जाकर पता चला कि शोरूम में आग लग गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद घंटों मशक्कत करके आग पर काबू पाया और छानबीन की, लेकिन आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। दुकान संचालक को सुबह पड़ोसी दुकानदारों ने फोन लगाया कि दुकान से धुआं निकल रहा है। दुकान संचालक तत्काल मौके पर पहुंचा और दुकान में लगी आग को देखा और संचालक के हिसाब से उन्होंने दुकान में स्विच बंद किया था और ऐसा कोई भी सामान दुकान में उपलब्ध नहीं था, जिससे कि आगजनी की घटना हो सकती थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। पारा चौक पे 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पे सूर्या मोटर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई है। तत्काल एक फायर रवाना किया गया और एक गाड़ी पानी के मदद से उस पर काबू पाया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में और आग को हमने पूरी तरह बुझा लिया है। वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आग का कारण क्या है। फिलहाल मालिक का कहना है कि हमने पूरे स्विच बंद कर दिए थे, बाकी वो पुलिस की जांच के विषय है। एक गाड़ी पानी में हमने बुझा लिया है। अब नुकसान वो मालिक ही बता पाएंगे, उसे 15 से 18 लाख का बता रहे हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम था ये, मालूम नहीं भैया का कल सैटरडे ऑफ रहता है, शॉप का वीकली ऑफ था। डेली आदत है कि मेन स्विच बंद करके जाते हैं दुकान पे। शुक्रवार रात को मेन स्विच बंद करके गए हैं, कोई वायरिंग ऑन नहीं था, सब बंद था। बैटरियां दुकान में थी जो कि डिस्चार्ज हालत में थी, डैमेज बैटरियां, मतलब वो ख़राब बैटरियां हैं, 5-6 महीने से चार्जिंग नहीं की गई है। नई स्कूटीज कुछ पड़ी हुई थी जिनमें भी बैटरी नहीं थी, उनको ऐसा हाफ असेंबल्ड रखी थी, और कुछ कस्टमर्स की 5-7 स्कूटी थी जो अंडर सर्विस वारंटी में रिपेयर के लिए आई हुई थी। कोई मेन स्विच चालू नहीं था, कुछ नहीं था, कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, कल ऑफ था। अभी सुबह 10:30 बजे मेरे को सूचना मिली कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं आकर के शटर खोला हूँ, लगातार पुलिस को बोलता रहा हूँ, आधा से पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है और ये जो खोले हैं तो इधर उधर आग दिखा, तुरंत ये लोग पानी मारे बुझ गया है, क्योंकि पहली चीज मेन स्विच बंद था, दूसरी बात जो बैटरियां भी गाड़ी दुकान में पड़ी थी वो 6-6 महीने खराब बैटरियां पड़ी थी, किसी में कोई चार्ज नहीं था। लेकिन मेरी नई स्कूटियां खड़ी थी, कस्टमर्स की गाड़ी खड़ी थी, मेरे पास कम से कम आप मान के चलो 18 से 20 लाख रुपए का। आप ये कह रहे हैं पुलिस लेट? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे प्रोसेस नहीं मालूम है, लेकिन लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है, आग देखती है, तुरंत फायर ब्रिगेड को लगाती है। मैं आया 10:30 बजे, पुलिस को पूछा, बोले अब हमने कर दिया है फोन। उसके बाद लगभग 40-45 मिनट बाद आई है फायर ब्रिगेड और अभी खोले हैं 5 से 7 मिनट में आग उन्होंने बुझा ली है, क्योंकि कोई भी बेंच पास है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, क्योंकि मेन स्विच बंद था। समझ ही नहीं आ रहा कैसे आग लगा, मैं अपने को खुद समझ में नहीं आ रहा, अभी वो मैं नहीं बोल सकता, वो मैं नहीं कह सकता, बहुत अर्ली हो। ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी का काम इसमें कर रहे हैं 2021 नवंबर से। फायर सेफ्टी के लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसे फायर सेफ्टी का इंतजाम का व्यवस्था अपन ने रेती वेती के बैग वैग रखे हुए थे, परंतु अपन लोग बेसिकली यहाँ ये ट्राई करते हैं कि अपने इधर कोई बैटरी रहती नहीं है। नहीं नहीं, फायर सिलेंडर मेरा अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुआ था। वो आप नहीं मान रहे कि आपकी बहुत बड़ी गलती है इसमें? आप नहीं, नहीं सर, सर पहली बात मेरी इसलिए गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा मेन स्विच बंद करके जाता हूँ, मेरे यहाँ कोई चार्ज बैटरी मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ चार्ज बैटरी होती नहीं है। नहीं, मैं रेती वगैरह रखता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम ना तो रिपेयर नहीं करते, हम बैटरी खोलते नहीं है, हम रिपेयर नहीं करते हैं, बैटरी कंपनी की वारंटी पे कंपनी जाती है बनने, हमारे यहाँ कुछ रिपेयर वर्क नहीं होता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा ये आग आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती और फिर एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसे बड़ी सूझबूझ करके टाल दिया गया। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।